नमस्कार। सागर में भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। जी सागर में आरओबी की मिट्टी धसी है, दो की मौत हुई है। मलबे में दबे तीन लोगों को निकाला गया। ब्रिज का चल रहा था काम, ट्रेन गुजरते वक्त ये हादसा हुआ है। हम आपको बता दें कि सागर में रेलवे के निर्माणाधीन अंडरब्रिज की मिट्टी धस गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, तीन लोग अभी भी दबे हैं। रात 12:30 बजे तक रेस्क्यू कर मलबे में दबे तीन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसा सुमरेली रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक क्रमांक 10B पर निर्माणाधीन अंडर ब्रिज पर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेल प्रबंधन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल सुमरेली रेलवे के पास गढ़ौला जागी समेत कई ग्रामों को जोड़ने के लिए रेलवे फाटक क्रमांक 10B पर अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे ट्रैक से ट्रेन गुजरी तो अचानक अंडर ब्रिज की मिट्टी धस गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर और रेलवे कर्मचारी दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया था। हम आपको बता दें कि खुरई देहात के थाना प्रभारी शैलेंद्र राजावत ने जानकारी दी है कि हादसे में सुखराम अहरवार और आर एस मीणा की मौत हो गई है। आर एस मीणा सेक्शन इंजीनियर थे और सवाई माधोपुर राजस्थान के रहने वाले थे, जबकि इंजीनियर सुखराम अहरवार कटनी जिले के रहने वाले थे। घटना में घायल दीपक देवेंद्र और शेर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन दर्दनाक हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, दो लोगों ने जान गंवाई है। वो भी दब गए थे और दो लोग हम थे। कौन कौन? दीपक और इनका क्या नाम है, देवेंद्र। अच्छा, ट्रेन निकली थी पहले? ट्रेन तो उसके टाइम से जब आनी तो निकल ही रही थी, उसी कारण हुआ कि धक्का लगा। अब ये नहीं बता सकते कि ट्रेन तब नहीं निकली जब वो गिरी। अच्छा, पहले निकल गई? ट्रेन तो निकल गई थी, बाकी वो अचानक से गिर गई।